सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू mahindraguru.com's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड यू आर वॉचिंग अ न्यू सेशन ऑफ फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन #FII, जहां आज हम नजर डालेंगे 30 अप्रैल के इतिहास पे। जी हाँ, वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ 30th अप्रैल। सो हियर कम्स द फर्स्ट इवेंट विच हेल्ड इन द ईयर 1598। यस, 30th अप्रैल वॉज द डेट। 1598 वो वर्ष था फॉर द फर्स्ट टाइम थिएटर वॉज ऑर्गेनाइज इन अमेरिका। सो बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स की बात है यहाँ पे। अमेरिका में पहली बार थिएटर का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। सो 30 अप्रैल के ही दिन हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से फिर थिएटर का प्रचलन शुरू हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पुण्यतिथि किसकी होती है 30 अप्रैल के दिन, निधन किसका हुआ था। तो यस, अ वेरी नोन पर्सनैलिटी अडोल्फ हिटलर जी का नाम बिल्कुल हम सभी ने सुना हुआ है। 30 अप्रैल के ही दिन 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी, इनका देहांत हुआ था, निधन हुआ था 30th अप्रैल को ही। अब अडोल्फ हिटलर के बारे में अगर हम बात करें, सो यस, ही वॉज अ जर्मन पॉलिटिशियन, तानाशाह के रूप में ये जाने जाते हैं बिल्कुल। और इनके बारे में बात किया जाए तो नाजी पार्टी से ये बिलोंग करते थे। नाजी पार्टी से बिलोंग करने के बाद इनने काफी सारी चीजें जर्मनी में अपने हिसाब से करवाई और अपने हिसाब से पुट ऑन करवाई। सो अडोल्फ हिटलर जी जन्मे 30th अप्रैल 1945 को। और अगर बात करें, सो यस, इनके रूलरशिप के अंदर अगर बात किया जाए तो अडोल्फ हिटलर ने जितने टाइम भी जर्मनी पे रूल किया तो उस रूलिंगशिप में पूरी की पूरी कंट्री को एक फासिस्ट स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। दैट मीन्स एक तानाशाह जिसने पूरे देश को अपने अंडर चलाया, तो अडोल्फ हिटलर जी ही थे वो। तो 30th अप्रैल 1945 को ही इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ और देखते हैं FYI क्वेश्चन बैंक में किस तरीके के क्वेश्चंस जुड़ते हैं। बिकॉज यस, 30th अप्रैल को देर आर नो सच एस पर्सनैलिटीज जिनका बर्थडे डिस्कस करना यहाँ पे मैंडेटरी होता है। बिकॉज यस, नो ऑफ द ऐसी पर्सनैलिटी जिस पे क्वेश्चंस फ्रेम हुए उनका बर्थडे आता है। तो क्वेश्चन आंसर्स की बात है FYI क्वेश्चन बैंक में, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में संबंधित नहीं है। थियामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड। सो यस, हियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड या तो फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक एसिड ही है वो जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं है। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइलैंड यूनिवर्स इज अनदर नेम फॉर, द्वितीय ब्रह्मांड किसका अन्य नाम है। अ मीटियोरॉइड, एन एस्टेरॉइड, द गैलेक्सीज या द सोलर सिस्टम। सो यस, वी आर वेरी वेल नोन विद दिस आंसर, आइलैंड यूनिवर्स, द गैलेक्सीज या तो फिर आकाश गंगा का ही दूसरा नाम है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक का आविष्कार किसने किया था। विलियम स्टर्गन, वोल्टा, एलिस जी ऑटिस या थॉमस एडिसन। सो यस, हियर इज द आंसर, विद्युत चुंबक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, सो ए नाम आता है जिनने आविष्कार किया था, विलियम स्टर्गन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल लिक्विड्स इज, किसी आदर्श द्रव का अवरूपण गुणांक होता है। इन्फिनिटी, जीरो, यूनिटी या सम फाइनाइट स्मॉल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट वैल्यूज। अनंत, शून्य, एकांक या कोई परिमित छोटा शून्यतर नियतमान। सो यस, हियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी शून्य या तो फिर जीरो। तो किसी भी आदर्श द्रव की अगर हम बात करें या तो फिर एक आइडियल लिक्विड की बात करें तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट होता है जीरो से। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who led a rebellion against his father and fled the Deccan after the failure of that venture? किसने अपने पिता के विरुद्ध एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और अपने इस जोखिम के असफल होने के बाद दक्कन भाग गया था। हुमायूं, मोहम्मद अकबर, दारा शिको या बाबर। सो यस, वी आर अगेन वेरी श्योर विद द आंसर, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अकबर। सो अकबर ने ही अपने पिता के विरुद्ध एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उसके सफल ना होने के बाद वो डेक्कन की तरफ भाग गया था। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी राइटर्स हैव बीन नेम्ड फॉर दिस ईयर्स प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड, कितने लेखकों को इस वर्ष के प्रतिष्ठित साहित्य अकेडमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 2022, 2024, 2026। सो यस, वी आर वेरी वेल अवेयर, 24 इज द नंबर, 24 लोगों को इस बार प्रतिष्ठित साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजित किया जाएगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज अ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार गठित की गई थी। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पोंडिचेरी या केरला। सो यस, केरला इज द राइट आंसर, जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार गठित की गई थी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पन्नालाल घोष फ्लूट, गुरु गोपी कृष्णा कथक, निखिल बनर्जी संतूर या नंदलाल बोस पेंटिंग। सो यस, अगर हम बात करें यहाँ पे
तो ये बेसिकली लोगों के साथ उनके फील से या इंस्ट्रूमेंट से या तो फिर उनकी एक अच्छी खासी खासियत जुड़ी हुई है. तो यस, हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, निखिल बैनर्जी संतू. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज नॉट मैच करेक्टली, कौन सही सुमेलित नहीं है? वीरभूमि राजीव गांधी, अभयघाट जगजीवन राम, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी या राजघाट महात्मा गांधी. ये कहीं ना कहीं उनके इस पुण्य स्मृति में बनी हुई उनके स्मारक हैं, समाधियां हैं. तो अगर हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही से मैच नहीं है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अभयघाट जगजीवन राम जी का ये मैचिंग सही नहीं है. लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. व्हेन डिड अकबर अबॉलिश जाजिया टैक्स, अकबर ने जाजिया कर कब समाप्त किया था? 1556, 1564, 1579 या 1582? सो यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1564. जाजिया टैक्स जो कि कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पर लगाया जाता था, तो अकबर ने इसको एबॉलिश किया था 1564 में. इसी क्वेश्चन के साथ वी एंड अप दिस सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन. कमेंट करके बिल्कुल बताइए द इम्प्रोवाइजेशन यू रिक्वायर टू सी इन FYI. एंड यस, डू शेयर द वीडियो लिंक. एंड द न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ द अपकमिंग वीडियोस. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, के नए सेशन में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. एंड यस, डू नॉट फॉरगेट, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस. थैंक यू सो मच.